हेलो एवरी वन होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड दिस इज़ योर मैं आरसू कक्कर वेलकम टू श्री राम जाइस एन दिस टूडेज सेशन डीलिंग थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर विल कवर दीज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट वंस फटाफट से एक आइडिया दे देती हूँ कि हमें क्या कवर करना है सो दैट यू स्टे कनेक्टेड एंड पता चल जाता ना कि अच्छा जहाँ मैं पच्चीस तीस मिनट लगाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ मुझे क्या क्या कवर करवाया जाएगा एक इंडेक्स दे देती हूँ पिलीबिट टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ना है आज अपने को क्यों पढ़ना है कॉन्टेक्ट सारा वाई वाला जब आर्टिकल्स आएंगे तब बताऊंगी एंटी डंपिंग ड्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट जी एस पेपर थ्री फुट एंड माउथ डिसीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन कनेक्ट विद योर प्रिलिम्स ऑल्सो एंड एग्रीकल्चर डोमेन से भी आप इसको लिंक कर सकते हो सो दैट वे जी एस पेपर थ्री मूसी रिवर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिकली वाई इट इज़ इन न्यूज कॉन्टेक्स कहाँ से बहती है किसकी ट्रिब्यूटरी है एवरी थिंग एंड बायोटेक रिवोल्यूशन रिसेंटली इफ यू रिमेंबर वी डिसकस दिस बायो ई थ्री पॉलिसी बायो ई थ्री बायो टेक्नालॉजी फॉर इकॉनमीमी एन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सो रिसेंटली देर वॉज एन एडिटोरियल ऑल्स इन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक सो विल टेक दैट अपरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम योर मेन्स पर्स्पेक्टिव सो इसको हम डिटेल में लेंगे यू कैन मेक योर नोट वाई आई डिस्कस दिस यू कैन कनेक्टेड विद योर जी एस पेपर थ्री बायो टेक्नोलॉजी सेक्शन राइट सो दिस इज वॉट वी विल बी कवरिंग टूडे सेशन अच्छे लगते हैं तो क्या करना है यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर राइट डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो दोजू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी दोज हुर प्रिपेयरिंग फॉर पी सी एस वेदर पी सी एस के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वली रेलिवेंट होते हैं क्योंकि ये हर एक चीज उसी को ही कैरी कर रहे हैं करंट अफेयर है किसी भी एग्जाम के लिए देखोगे तो कॉमन uh, ही होते हैं इट जस्ट कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है बस राइट right? सो हा अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है बाय लाइकिंग दिस लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन दैट गेट्स पब्लिश नाउ एज फार एज सेशन इज कंसर्न लेट्स टेक द फर्स्ट आर्टिकल कॉमेंट सेक्शन में आपके पास कॉमेंट सेक्शन है तो आप फीडबैक भी दे सकते हो वहां पर अपना ठीक है चलिए जस्ट अट प्रोसीड विद द फर्स्ट आर्टिकल Just a second. Yeah, there you go. Poachers recently killed two cheetahs in the Pillibird Tiger Reserve and fled after stealing a rifle from a forest guard. तो so बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ है पिलीबीड़ टाइगर रिजर्व के अंदर इसीलिए हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। नाउ एज फार एज दिस टाइगर रिजर्व इज कंसर्न कहाँ पड़ता है आपको मैप में दिख ही रहा है उत्तर प्रदेश में पड़ता है कहाँ पड़ता है इसके आसपास कौन से हैं ऊपर थोड़ा सा कौन सा है ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट थोड़ी अरेंजमेंट आपको पता होनी चाहिए यहां से कौन सी रेंज जाती है हिमालयाज की वो पता होनी चाहिए राइट सो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो यू नीड टू अंडरस्टैंड ठीक है शिवालिक रेंज आती है मिडिल हिमालय जाते हैं कौन से हिमालय जाते हैं बताना मुझे नाउ एज फार एज दिस टाइगर रिजर्व इज कंसर्न बिफोर स्टार्टिंग आई होप यू आर अवेयर विद द context नाउ कि अभी हाल ही में पोचर्स इलीगल हंटर्स ने दो चीतल्स को किल किया है अ टाइप ऑफ डियर यू कैन and एंड आफ्टर किलिंग द एनिमल्स दे and एंड टुक द राइफल फ्रॉम वन ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड जो वहां पर था who was इन दैट रिजर्व टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ये जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के तीन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है पिलीभित लखीमखेड़ी लखीमपुर खेरी और बेरेच आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी की इंडो नेपाल बॉर्डर के पास हिमालय के फुटहिल्स पे तैराई प्लेन्स में उत्तर प्रदेश के अंदर ये टाइगर रिजर्व है गोमती नदी इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व से ऑरिजिनेट करती है और ये बाकी शारदा चूंकि मलखनोत इन सब का कैचमेंट एरिया भी है इन रिवर्स का इस रिवर पे आ, इस रिजर्व के अंदर शारदा सागर डैम भी है विच इज ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस रिजर्व यहाँ पर आपको मॉइस्ट डेसिडियस टाइप वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी क्लाइमेट ड्राई एंड होट है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई टीक फॉरेस्ट एंड विंध्यन माउंटेन सॉइल्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो फ्लोरा फना की बात करूं तो साल फॉरेस्ट ऑल ग्रासलैंड लैंड ये सब एनिमल्स oh, और प्लांट्स हैं और साल वुडलैंड इज वेरी डेंस है और फना में टाइगर स्वैम्प डियर बेंगाल फ्लोरिकन लेपर्ड ये सारे स्पीशीज आपको यहां देखने को मिलेंगे रही बात चीतल की द स्पॉटेड डियर एक डियर की स्पीशीज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इट इज नेटिव टू दिस इज द मोस्ट कॉमन डियर स्पीशीज इन द इंडियन फॉरेस्ट ये आपको वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलेगी एशिया के अंदर स्पेसिफिकली इंडिया में श्रीलंका में बांग्लादेश में भूटान में और कुछ पाकिस्तान के एरिया में भी सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इनका हैबिटेट है ठीक है तो थर्टी फाइव इंचज दे आर अबाउट टॉल एंड एटोडर इनका वेट कुछ वन एटी सेवन पाउंड है रेडिश ब्राउन कलर की फर आपको देखने को मिलेगी व्हाइट स्पॉट्स हैं ऑल ओवर देर बॉडी थोड़ा सा इनके अपियरेंस की बात करी जा रही है सिर्फ मेल चीतल्स हैं दैट है दे आर दी जनरली लार्जर देन फीमेल्स तो ओनली मेल्स है हर्ड में एक सोशल ग्रुप में रहना पसंद करते हैं दस से पचास मेंबर्स होते हैं ग्रास खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बट श्रब्स लीव्स, फ्रूट हर्ब्स ये सब भी एंजॉय करते हैं अपने खाने में ठीक है सो आयु स्टेटस में लीज कंसर्न में है कोई टेंशन की बात नहीं है आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कोई ऐसा Uh, चीज़ आपको मिल जाए कि जो आपकी क्वालिटी अच्छे से कवर करवा दे विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल कॉस्ट तो आप रेफर कर सकते हो श्री राम को वेयर प्रज्ञा मैम इज टेकिंग दीज सेशंस ऑन द प्लेटफॉर्म विदाउट बीबे के लिए चार्जिंग एनी एनी अमाउंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन रहेंगे बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है तो यू कैन रेफर टू दीज सेशन्स देखो जहां पर एक रुपया भी नहीं लग रहा और क्वालिटी मैं बेस्ट ऑफ क्वालिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही है यही कोर्सेज आप पचास साठ हजार के लोगे फिर उसमें पॉलिटी पढ़ोगे करंट अफेयर्स पढ़ोगे और फिर कंसिस्टेंट होगे फिर डेली सेशंस देखोगे तो इससे अच्छा जो फ्री में मिल रहा है एक वेल नोन चैनल पे तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए है ना तो यहां पर आपको कुछ स्पून फीड सेशन भी हैं जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अगर जानना हो तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी सो यू कैन रेफर टू देम फायदे के लिए है तो प्लीज डू रेफर दी सेशन एज वेल आगे बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की क्यों कर रहे हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात क्योंकि हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करनी चाहिए ऑन एल्यूमिनियम फॉयल जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम चाइना अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है डंपिंग मतलब माल डंप करना है बस वहाँ आपके देश में अच्छा खासा बन रहा है और वहां पर आप उसको सस्ते में बेच रहे हो चीप रेट पे बेच रहे हो बेसिकली जिस रेट पे बेच रहे हो उसे सस्ते में यहां बेच रहे हो तो ये ऑब्वियसली यहां के जो लोकल कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इसीलिए है एंटी डंपिंग ड्यूटी वो एक स्पेशल टैक्स है जो आप लगा लो एक कंट्री एड करती है टू द प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स दैट इज कमिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज जब ऐसा लगता है ये बिलीव होता है वेन देर इज अ थिंग दैट दीज गुड्स आर बींग सोल्ड टू चीपली बाय द फॉरिन कंट्री देयर तो ऑब्वियसली आपके लोकल बिजनेसिस यहां पर हर्ट होंगे जो ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं डंपिंग तब होती है जब एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है किसी दूसरी कंट्री में फॉर अ मच लोअर प्राइस देन इट सेल्स इन देअर ओन कंट्री अगर वो कोई प्रोडक्ट एक्स वहां पर बेच रहे हैं दस रुपए का अपने देश में और यहां पर बेचे उसको सात रुपए में वो अपनी मार्केट एक्सपेंड करना चाहते हैं मार्केट बढ़ाना चाहते हैं राइट तो वो डंपिंग है और लेकिन यही डंपिंग जो है अब न्यूज क्या है कि चाइना एल्यूमिनियम फॉयल इंडिया के अंदर बेच रहा है एट अ लोअर प्राइस और ये लोअर प्राइस जो है इट इज इंपैक्टिंग द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स राइट right, क्योंकि यहां पर इतना प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है ही नहीं जितना वो सस्ते में फिर यहां बेच रहा है अपने अपने कंट्री में वो बेच रहा है अगर दस रुपए का यहां बेच रहा है सात रुपए का तो ऑब्वियसली दीस चाइनीज फॉयल जो है इनकी डिमांड होगी लोग वो नहीं खरीदेंगे तो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के बिजनेस इंपैक्ट होंगे तो इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है ठीक है यू कैन सी नाउ एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है ये जो एक डोमेस्टिक गवर्नमेंट इंपोज करती है ऑन द फॉरेन इंपोर्ट्स दैट इट बिलीव की दे आर प्राइज बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू जब एक कंपनी डंपिंग <coughs> क्या है डंपिंग इज अ प्रोसेस वेर इन कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस दैट इज सिग्फिकेंटली लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेज इन इट्स होम जो अभी मैंने आपको बताया वहां पर अगर कुछ दस uh, रुपए का बेच रहे हैं यहाँ पर उसको आके सात रुपये का बेच रहे हैं राइट लोअर यू आर सेलिंग है एट अ लोअर प्राइस देन यूर वट चार्जिंग एट योर होम सो द ड्यूटी इज प्राइज इन एन अमाउंट दैट इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन दिस कोस्ट तो इसीलिए डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है ताकि वो कोस्ट बराबर करी जा सके राइट इट इज इम्पोर्ट इट इज इम्पोज टू प्रोटेक्ट योर लोकल बिज़नेसेस और एंड द मार्केट्स ताकि वो अनफेयर कंपटीशन जो है बाय फॉरेन इम्पोर्ट्स वो ना हो इसीलिए जो ये ट्रेड डिस्टोटिव इफेक्ट है ऑफ डंपिंग उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इम्पोज करी जाती है इसका ये पर्पज़ है फेयर कॉम्पिटिशन हो एंड इट इज परमिटेड बाय द डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ अलाउ करता है सरकारों को ऑफ द अफेक्टेड कंट्री टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दी डॉम्पिंग कंट्री एज लॉन्ग एज देयर एविडेंस एविडेंस ऑफ जेन्यून मटीरियल इंजरी टू इंडस्ट्रीज इन द डोमेस्टिक मार्केट तो वो यही बोल रहे हैं कि एज लॉन्ग एज की आपकी यहां पर मार्केट इफेक्ट हो रही है तो डब्ल्यू टीओ कंट्रीज को अलाउ करता है यू यूज एंटी डंपिंग ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देअर बिजनेस इफ दे हैव एविडेंस की डंपिंग उनकी इंडस्ट्रीज को हर्ट कर रही है तो दवर्नमेंट मस्ट शो की आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि डंपिंग इज एक्चुअली हैपनिंग द डिफरेंस इन प्राइसिस सिग्निफिकेंट ऑल्सो लोकल बिजनेसिस आर बींग हार्म और दे आर एट द रिस्क ऑफ बींग हार्म बाई दीज लो प्राइज इम्पोर्ट सो यू नीड टू

फाइनेंस मिनिस्ट्री मेक्स दी फाइनल डिसीजन ठीक है तो ये है आपका आर्टिकल अच्छा एक चीज और है काउंटर वेलिंग ड्यूटी दो चीजें होती हैं एक होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी तो मैंने आपको बता दिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी के अंदर इट इज अप्लाइड जब फॉरन गवर्नमेंट जो है दे सब्सिडाइज देअर गुड्स तो वहां पर वो अपने गुड्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ सब्सिडी दैट इज प्रोवाइडेड बाई द फॉरन गवर्नमेंट सो दैट इज वाई यू अप्लाई काउंटरवेलिंग ड्यूटी सो कभी कभार क्या होता है जो फॉरन गवर्नमेंट है दे गिव मनी और बेनिफिट्स टू देयर कंपनीज टू मेक योर प्रोडक्ट्स चीपर सब्सिडीज की बात हो रही है इसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी बट ये बात समझ लीजिए कि पर्पज क्या है यहां पर सीवीडी का पर्पस है टू काउंटर एक्ट दी इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज दैट दी गवर्नमेंट गिव टू देयर कंपनीज दैट वाई दैट वे इट मेक्स इट अनफेयर फॉर लोकल बिजनेस इन अदर कंट्रीज ऑल्सो क्योंकि फिर उनको वो सब्सिडाइज गुड्स के साथ कंपीट करना पड़ता है सो दैट इज वाई काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज देयर सो काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में मेजर जो फर्क है वो यही है एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अप्लाइड जब फॉरिन गुड्स आर बींग सोल्ड एट वेरी लो प्राइसेस विच आर हार्मिंग योर लोकल बिजनेस जो नॉर्मल प्राइस है और जो लो प्राइस है टू विच द गुड्स आर सोल्ड तो उसके बीच का जो डिफरेंस है एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर बेस्ड है काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सिडी दट इज बींग प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट फॉर एन गवर्नमेंट सो दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी टू ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे गिव टू देर कंपनीज थ्रू सब्सिडी सो यहां सब्सिडी वाला पॉइंट आ जाता है when they give subsidies to their producers to make their products cheaper और फिर obviously उस product की demand बढ़ेगी जब product आपको सस्ते में मिल रहा है तो फूट एंड माउथ डिसीज के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हाल ही यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये आठ स्टेट्स में यू हैव योर एस्टेब्लिशिंग फ्री जोन इन दीज एट स्टेट्स कौन सी स्टेट्स हैं कर्नाटका तमिलनाडु आंध्रा तेलंगाना गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब और उत्तराखंड सो so, सरकार का ये डिसीजन है टू एस्टैब्लिश फुट एंड माउथ डिसीज फ्री जोन इन दीज एट स्टेट्स मतलब ये जो एरियाज हैं दे विल बी डेजिग्नेटेड एज रीजन जहाँ पर फुट एंड माउथ इज नॉट प्रेजेंट फ्री जोन है वो फुट एंड माउथ डिसीज एक कॉन्टेजियस डिसीज़ है वायरल डिसीज है आई वुड से हाईली कॉन्टेजियस डिसीज़ है ये जो किसको अफेक्ट करती है लाइफ स्टॉक को क्लोविन लोविन हुड एनिमल्स जैसे कैटल्स शीप गोट्स क्या होता है इट कॉज सोर्स इन देयर माउथ एंड फिट ऑफ द एनिमल्स और फिर ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है वेन यू आर डिक्लेयरिंग सर्टेन एरियाज आर एफ एम डी फ्री जोन्स तो गवर्नमेंट इज इंडिकेटिंग कि ये जो रीजन है दे हैव टेकन स्टेप्स टू इन्श्योर की एफ एम डी नहीं हो वहाँ पर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं टू प्रिवेंट द डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग दैट इज वाट हैपन्स इन फ्री सोर्स इंपॉर्टेंट है ताकि आपके लाइफ स्टॉक की हेल्थ इंप्रूव हो विच इज वेरी क्रूशल फॉर द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी साल डेढ़ साल पहले आर्टिकल्स आ रहे थे कि इंडिया में मिल्क का जो कॉस्ट है वो बढ़ा है आपको इंपोर्ट ना करना पड़ जाए राइट तो उसमें यही तो है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो यहां पर ऐसी डिसीज का ये इम्पैक्ट पड़ता है तो इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत है अगर आप एफएमडी फ्री जोन्स लेकर आ रहे हो क्योंकि आपका पर्पस यही है कि आपके लाइफ स्टॉक जो आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जो फार्मर्स हैं बहुत क्रूशियल हैं सो दैट इज वेयर यू आर हेल्पिंग टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ट्रेड ऑफ लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स वे यू आर मीटिंग योर इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑल्सो राइट सो so, आठ ये स्टेट्स हैं देट आर इन्वॉल्व अब हम थोड़ा सा अगर हम फूट एंड माउथ डिसीज के बारे में पढ़ें तो मैंने बताया कि ये कॉन्टेजियस वायरल डिसीज है लाइफ स्टॉक को इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत पड़ता है इट अफेक्ट्स कैटल्स स्वाइन, शीप गोड्स क्लोवन होव्ड रिमिनेट्स तो उनको ये इम्पैक्ट करती है हॉर्सेज डॉग्स और कैट्स को नहीं करती है इंटेंसिवली रियड एनिमल्स जो हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू दिस डिसीज़ एक ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिसीज इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम दे आर मोर लाइकली टू गेट दिस एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग ब्रीड्स नाउ ये ह्यूमन्स को नहीं होती इंपॉर्टेंट है इट इज नॉट रिलेटेड टू हैंड फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ ह्यूम यहां पर एफ एम डी जो डिसीज है ये लाइफ स्टॉक को हो रही है एंड दैट कैन क्रॉस बॉर्डर ऑल्सो इट कैन अफेक्ट मेनी कंट्रीज क्योंकि सिर्फ लोकल ट्रेड को ये कोम्पैक्ट नहीं करेगी इंटरनेशनल ट्रेड को भी इम्पैक्ट करेगी इन दी एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ऑल्सो तो यहां पर अगर आप देखो ना तो उन्होंने बताया है कि ये कुछ सात सेवन स्ट्रेन है ऑफ एफ एम डी वायरस दीज स्ट्रेन आर फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ दर्ल्ड नाउ दिस डिसीज इज कॉज बाय अ वायरस दैट इज कॉल्ड एप्थो वायरस नहीं? अच्छा अगर मुझे ऐसा लगे कि इसमें ये आठ स्ट्रेंज है इफ यू आर इम्यून टू वन टाइप आर यू बींग प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी अदर सब टाइप्स ऑल्सो नो इम्यूनिटी टू वन टाइप डज नॉट प्रोटेक्ट एन एनिमल अगेंस्ट दी अदर टाइप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फैलता कैसे है ये इट इज फाउंड इन ऑल दी एक्सक्रीशंस एंड सिक्रीशन फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स इसका ट्रांसमिशन अगर आप देखो इट इज प्रेजेंट इन ऑल द बॉडी फ्लूड द वेस्ट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल सो एनिमल्स विद दिस दे रिलीज अ लॉट ऑफ वायरस पार्टिकल्स इन टू द एयर वैन दे ब्रीथ ऑल्सो कॉन्टेजियस है अदर एनिमल्स कैन कैच द डिसीज बाय ब्रीदिंग इन दीज पार्टिकल्स दैट आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद दैम थ्रू माउथ और थ्रू नोज देर कैन बी एनी थिंग न सिमटम्स के अंदर फिर आपको यू आपको मतलब एनिमल्स में दे विल डेवलप फीवर और पेनफुल ब्लिस्टर लाइक सोर्स होंगे दैट विल अपीयर ऑन देअर टंग्स ऑन देयर इनसाइड देयर माउथ एंड बिटवीन देयर होव्स सो दैट इज दिन हेयर राइट एपिटाइट दे विल लॉस देयर एपिटाइट वेट लॉस होने लगेगा डेयरी एनिमल्स में मिल्क प्रोडक्शन एकदम से ड्रॉप होगा तो ये सब कुछ सिम्टम्स के अंदर फिर आता है ऑब्वियसली फार्मर्स के लिए एक बिग लॉस होता है क्योंकि हाउ वेल द एनिमल्स प्रोड्यूस उस पर इम्पैक्ट पड़ता है डेयरी काउज माइट प्रोड्यूस लेस मिल्क मीट एनिमल्स माइट नॉट ग्रो एज वेल सो ये इम्पैक्ट होता है एफ एम डी का प्रोडक्शन लॉस होता है वैक्सीन्स फॉर एफ एम डी आर अवेलेबल यस वैक्सीन्स आर अवेलेबल तो अगर पूछा जाए तो बता दीजिए कि वैक्सीन्स अवेलेबल है एंड टू बी एफेक्टिव द वैक्सीन मस्ट बी सूटेड टू दैट स्पेसिफिक टाइप ट इज कॉजिंग दिस आउटब्रेक क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेन है वायरस के यहां पर राइट वैक्सीन नीड्स टू बी यूज टू एंश्योर की प्रॉपर प्रोटेक्शन हो ठीक है आगे बढ़े लेट्स टॉक अबाउट मुसी रिवर क्यों पड़ना है पहले तो आप ये देख लो ये नदी है जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसपल कॉरपोरेशन ने एक अर्जेंट एडवाइसरी दे हैवी शूड फॉर सिटीजन्स की घर के अंदर रहे क्योंकि एज रेन्स कंटिन्यू टू लैश द सिटी मूसी रिवर में राइज देखने को मिल सकता है सिग्निफिकेंटली ये नदी बहती है थ्रू सर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है डेकन प्लेटू में पहले अर्लियर डेज में इट वाज़ नोन एज मुचकुंद रिवर हैदराबाद जो है वो इसी नदी के किनारे इट स्टैंड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर ओनली डिवाइड्स द सिटी बिटवीन द ओल्ड वन एंड द न्यू वन अनंतगिरी हिल्स जो है वहां से ये नदी बहती है टू द वेस्ट ऑफ हैदराबाद नाउ देर आर टू रिविलेट्स ईसी एंड मूसा जो कन्वर्ज करते हैं इंड तो द मूसी रिवर और फिर ये मूसी रिवर कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है नियर वज़ीराबाद 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके दो डैम्स हैं यहाँ पर ओस्मान सागर एंड द हिमायत सागर ये दो डैम्स हैं जो इस रिवर पर बने हुए हैं और काफ़ी हिस्टोरिकल ब्रिजेस भी हैं पुराना पुल ओल्ड ब्रिज जो कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद के टाइम पे बना था बाकी और भी कुछ ब्रिजेस हैं दबीरपुरा अंबरपेट चादर घाट तो उपल कलान ये कुछ ब्रिजेज हैं जो इसी नदी पे बने हुए हैं आगे बात करते हैं बायो ई थ्री की हमने करी है इसकी बात लेकिन आज हम ना मीन्स के परस्पेक्टिव से और डिटेल में जाएंगे और हम बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स और इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारे डिस्कशन करेंगे ठीक है जीएस पेपर थ्री से बायोटेक्नोलॉजी से आप इसको लिंक कर सकते हो न्यूज में क्यों है वो आपको पता होगा कि हाल ही इंडियन कैबिनेट ने बायो ई थ्री पॉलिसी अप्रूव करी है कंट्री का जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए बायो ई थ्री बायो ई थ्री मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनमी फॉर एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिया को एक लीडर बनाना इन बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यू आर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज लाइक वैक्सीन राइट बायो बेस्ड केमिकल्स फंक्शनल फूड्स बायो इथ्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पॉलिसी है इंडस्ट्री को भी बूस्ट करेगी जो अभी पॉलिसी आई है जॉब्स भी क्रिएट करेगी एन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं राइट इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन बायोटेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर बट अभी भी इस टेक्नोलॉजी को देर इज अ स्टिल लॉट ऑफ पोटेंशियल जो फुली यूज नहीं हुआ है राइट right. अगर मैं अभी करंटली आपको इंडिया का बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टेटस बताऊं तो इंडिया इज अमंग द टॉप ट्वेल्व कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर बायोटेक्नोलॉजी एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर इट इज द थर्ड लार्जेस्ट वन 2024 में इंडिया का बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इट हैज रीच वैल्यू ऑफ वन बिलियन यूएस डॉलर ग्लोबल अगर बायोटेक्नोलॉजी मार्केट शेयर में इंडिया का होल्ड देखूं दैट इज थ्री परसेंट ग्लोबली बायोटेक्नोलॉजी एक वो सेक्टर है दैट कैन हेल्प इंडिया टू रीच इट्स गोल ऑफ फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 राइट बायो फार्मास्यूटिकल बायो एग्रीकल्चर बायो इंडस्ट्रियल तो बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरीज इंडिया के अंदर हैं राइट right? गोबरधन स्कीम है इंडिया का बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर ये हम सबको पता चल गया है कि इट इज थ्राइविंग कंट्रीब्यूशन फार्मास्यूटिकल में भी है एग्रीकल्चर में भी है सर्विसेज में भी है इंडस्ट्री में भी है बहुत सिग्निफिकेंस है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ की जैसे मैंने बात करी जॉब क्रिएशन होगी इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ वैक्सीन्स इंडिया प्रोड्यूस करता है लगभग साठ परसेंट ऑफ दर्ल्ड वैक्सीन्स राइट तो ह्यूज शेयर है पैंडमिक के टाइम पे भी था तो ये इसीलिए ये यही सेक्टर है ना बायोटेक्नोलॉजी विल हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम जो फार्मिंग के अंदर है क्रॉप रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं बीटी कॉटन लिख लो फॉर एग्जाम्पल जीएम क्रॉप्स हैं तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट आई है बिकॉज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी राइट सो स्टार्टअप भी दे देर आर सेंटर्स फॉर बायोटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन हब्स हैं इन प्लेसेस लाइक बैंगलोर एंड हैदराबाद तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर काम करता है इंडिया इट कैन हेल्प इंडिया मेक मोर ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा राइट right? तो यहाँ पर दिक्कतें क्या हैं अगर इतना सिग्निफिकेंस है इसका इतना फायदा है इंडिया को तो चैलेंजेस कहाँ आते हैं लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस पहला तो हमारे यहाँ पर रेगुलेशन जो है ना वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं राइट अप्रूवल प्रोसेस लगा लो चाहे फॉर जीएम क्रॉप्स लाइक बी टी ब्रिंजल देट हैज बिन वेरी स्लो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फिर दूसरा है लैक ऑफ फंडिंग ऑल्सो गेटिंग गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट द बायोटेक नो डाउट एट इट बट 2022 की अगर मैं बात करू ना तो फंडिंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम देंट्रल गवर्नमेंट वॉज वेरी लो दैट वॉज जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ऑफ डी डी पी तो ये एनफ नहीं है टू सपोर्ट दी ग्रोथ ऑफ बायोटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इनसफिशेंट है मेंटेनिंग अ रिलायबल कोल्ड चेन इज वेरी क्रूशियल राइट आईपी को लेके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स भी हैं ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत स्ट्रांग है इंडियन बायोटेक फॉर्म्स फेस टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एस्टैबलिश्ड कंपनीज हमारे यहां एफर्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं ताकि हम इंडियन फॉर्म्स को हेल्प करें और स्किल गैप भी है ये भी एक चैलेंज है मैनी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स लीव इंडिया फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड ब्रेन ड्रेन एथिकल इश्यूज भी उठते हैं ये चैलेंजेस हैं और जो चैलेंजेस हैं वही सॉल्यूशन है फिर उसी पे ही तो काम करना है फंडिंग बूस्ट करो बायोटेक इन्वेस्टमेंट्स रेगुलेशंस कॉम्प्लेक्स हैं उसको सिंपलीफाई करो वन स्टेप अप्रूवल लेकर आओ सिंगल इजी टू यूज सिस्टम हो फॉर इंप्रूविंग द बायोटेक प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स स्किल गैप है तो स्किल प्रोग्राम्स लेकर आओ राइट इंफ्रास्ट्रक्चर इनसफिशियंट है तो उसको इंप्रूव करो सेटअप स्पेशल एरियाज रेडी टू यूज फैसिलिटीज हो फॉर बायोटेक कंपनीज हाई टेक रिसर्च लैब्स हो, आईपी के अंदर भी यू कैन यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पेटेंट एग्जामिनर्स सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये जो पी प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं टू कवर मोर बायोटेक प्रोडक्ट्स बायोप्लास्टिक्स हो गए इंजाइन हो गए सेटअप स्पेशल एरियाज ऑल्सो जहां पर स्ट्रांग बायोटेक इंडस्ट्री है विद राइट इंफ्रास्ट्रक्चर वन स्टॉप अप्रूवल सर्विसज हों सो यह सब किया जा सकता है ठीक है तो ये था आज का सेशन उम्मीद करती हूँ चीजें क्लियर हो ही गई हों कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन इस सेशन के लिए इतना ही विद मीट यू टू विद अदर आर्टिकल्स टिल देन टेक केयर गुड लक गुड विशेज कुछ पॉइंट छूट गया हो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कर लीजिए आप ही के पास ये सेशन अब है तो पॉइंट्स जरूर लिख लेना जरूर जो बस आपको क्या सिर्फ पॉइंट्स 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 लिखने हैं दैट्स इट ओके देन गुड लक एवरी वन दिस इज योर मेंटर आरजू ककर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट थैंक यू